अस्सलामुअलैकुम। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आप लोग को मालूम है मैं आप लोग के लिए लेकर आता हूँ इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस। आज हम ऐसे क्रिकेटर्स की बात करेंगे जिन्होंने क्रिकेट के अंदर अपना इतना नाम कमाया, इतनी शोहरत हासिल की, लेकिन वो एक रिकॉर्ड अपने नाम नहीं कर पाए। वो क्या रिकॉर्ड है, आइए देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं वो क्या रिकॉर्ड है। वो एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड है। जो इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स इस दुनिया में आए लेकिन चले गए, लेकिन वो एक रिकॉर्ड अपने पास नहीं महफूज कर पाए। वो क्या रिकॉर्ड था, 6 ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड। तो देखते हैं कि वो कौन से प्लेयर हैं कि जिन्होंने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए। गैरी सोबर जो बहुत ही जारहाना और बहुत ही अच्छे फील्डर थे और बहुत ही अच्छे कप्तान थे। इन्होंने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जो पहले बैट्समैन कहलाए और पहले बल्लेबाज कहलाए कि जिन्होंने एक ही ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। 3-डे मैच के दौरान इन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और पहले दिन इन्होंने 300+ के करीब स्कोर कायम किया। और उसके बाद जब दूसरे दिन आए तो इनको तेज़ खेलना था, तो वहाँ पर गैरी सोबर ने आकर एक बॉलर को अपनी दुर्गत का निशाना बना दिया और उस बॉलर को यक के बाद एक ही ओवर के अंदर 6 छक्के मार दिए। और इसमें कप्तान भी इनको बॉलर्स को आकर समझाते रहे, फील्डर्स भी समझाते रहे कि आप यहाँ बॉल रखो, लेकिन वो गैरी सोबर के आगे बेबस हो गए और गैरी सोबर ने उनको एक ही ओवर में 6 छक्के लगा दिए। तो ये पहले दुनिया के प्लेयर थे जिन्होंने एक ही ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड कायम किया। फिर उसके बाद वक्तन फवक्तन प्लेयर्स आते गए जिन्होंने एक ही ओवर में 6 छक्के लगाए हैं। और उसके बाद हैं आप दुनिया के मशहूर और मारूफ क्रिकेटर हर्षल गिब्स का ताल्लुक साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम से है और जिन्होंने 434 का टारगेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेस करके एक अपना मकाम खड़ा किया, एक अपनी पहचान बनाई। तो हर्षल गिब्स ने 2007 में जिम्बाब्वे के खिलाफ एक ही ओवर में 6 छक्के लगाए और ये वर्ल्ड कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप में पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट के अंदर किसी बैट्समैन ने 6 छक्के लगाए हों। पहला छक्का स्ट्रेट पे, फिर लेग पे, फिर इसी तरह ये बॉलर बेबस वो हो गए और वो परेशान हो गए। लेकिन हर्षल गिब्स जब उनका बल्ला चलता है तो फिर उनके आगे कोई नहीं टिकता। तो हर्षल गिब्स ने इनको एक ही ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड कायम किया और ये दुनिया का ऐसा रिकॉर्ड है कि इसको कभी तोड़ना मुश्किल होगा, क्योंकि आजकल बॉलर बहुत होशियार हो चुके हैं और उनको 6 छक्के मारना मुश्किल है। और उसके बाद आते हैं हज़रतुल्ला ज़रदई, जिसको आप जानते हैं कि वो अफगानिस्तान के बैट्समैन हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान की लीग के अंदर एक बॉलर को 6 छक्के लगाए और वो बॉलर थे स्पिनर जिसको उन्होंने 6 छक्के लगाए और कभी स्ट्रेट, कभी लेग, कभी ऑफ साइड, तो वो बॉलर परेशान हो गया लेकिन वो हज़रतुल्ला ज़रदई के हाथों बच नहीं पाए। लेकिन हज़रतुल्ला ज़रदई ने उनको एक ही ओवर में 6 छक्के लगा दिए। तो हज़रतुल्ला ज़रदई भी दुनिया के बेस्ट मैनों में इनका भी नाम आता है कि जिन्होंने एक ही ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है और ये अफगानिस्तान के लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं। और उसके बाद आते हैं युवराज सिंह। आप लोगों को पता है कि इंडिया के वो बैट्समैन हैं, वो बल्लेबाज हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम कायम किया हुआ है। हार्ड हिटिंग के वजह से वो पूरी दुनिया में मशहूर हुए और इससे पहले जितने भी मैंने आपको 6 छक्के लगाने वाले बैटर का नाम बताया है उन सब ने ज़्यादातर स्पिनर को ही छक्के मारे, लेकिन युवराज सिंह का एक ऐसा कारनामा है कि उसने फास्ट बॉलर को 6 छक्के लगाए। फास्ट बॉलर को हिट करना बहुत मुश्किल होता है, जो क्रिकेट खेलते हैं उनको मालूम है कि फास्ट बॉलर को छक्का मारना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन युवराज सिंह ने वो कारनामा अंजाम दिया। जब 2007 में T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को जीतना लाजमी था, उस टाइम युवराज सिंह आए और बैटिंग में उन्होंने एक ही ओवर में 6 छक्के मार के एक आलमी रिकॉर्ड बना दिया था।
और उसी की बदौलत है इंडिया वो मैच इंग्लैंड से जीत गया था। वो 6 छक्के किसको मारे थे? स्टुअर्ट ब्रॉड को, जो दुनिया का बेहतरीन आजकल बॉलर माना जाता है, उसको 6 छक्के लगाए। और उसके बाद आते हैं एलेक्स हेल्स। एलेक्स हेल्स डोमेस्टिक क्रिकेट में दो ओवर में 6 छक्के लगा चुके हैं। जब वो बैटिंग के लिए आए तो उस टाइम उसके बॉलर्स की 3 बॉलें हो चुकी थी, उन्होंने 3 बॉलों पे 3 छक्के लगाए। फिर जब नेक्स्ट ओवर आया तो उस पे उन्होंने शुरू की 3 बॉलों पे 3 छक्के लगाकर अपने रिकॉर्ड में नाम लिखवा दिया कि उन्होंने भी 6 छक्के लगाए हैं। उसके बाद आते हैं दुनिया के मशहूर व मारूफ बैटर रवि शास्त्री, जिनका ताल्लुक इंडिया से है। और रवि शास्त्री ने भी एक टूर्नामेंट के अंदर बॉलर को 6 छक्के लगाए हैं, जिस पे रवि शास्त्री का आपको पता है कि बहुत ही नॉर्मल मिजाज से बैटिंग करते हैं, लेकिन उस दिन उनको पता नहीं क्या हो गया कि क्या खा के आए थे कि उन्होंने एक ही ओवर में 6 छक्के लगा दिए। तो ये थे इंडिया के वो बैटर जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं। तो हम बात करेंगे अब पाकिस्तानी बैटर्स के बारे में कि वो कौन से पाकिस्तानी बैटर हैं जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं। पाकिस्तानी बैटरों में आते हैं मंजूर इलाही। आप लोगों को पता है मंजूर इलाही जो पाकिस्तान के बैट्समैन थे, उन्होंने 1986 में एक बॉलर्स को 6 छक्के लगाए थे, लेकिन वो ऐसा हुआ कि वो कारनामा इनका ना इंटरनेशनल लीग में रिकॉर्ड होता है ना आईसीसी में रिकॉर्ड होता है, क्योंकि उस वक्त डिजिटल का वो कम थे, जिसकी वजह से उनका रिकॉर्ड कायम नहीं होता। और उसके बाद आते हैं केरन पोलार्ड। आप लोगों को मालूम है केरन पोलार्ड आजकल मशहूर है पीएसएल खेलने गए। तो केरन पोलार्ड ने एक ओडीआई मैच में श्रीलंका के एक बॉलर्स को एक ही ओवर के अंदर 6 छक्के लगा दिए थे। जो लेग स्पिनर बॉलर थे उनको एक ही ओवर में 6 छक्के लगाए थे। और केरन पोलार्ड का ताल्लुक वेस्ट इंडीज़ से है। आप लोगों को पता है केरन पोलार्ड दुनिया के वो हिटर हैं कि जो एक ही ओवर्स के अंदर 25 के एवरेज भी पूरा कर सकते हैं। तो केरन पोलार्ड का ताल्लुक भी वेस्ट इंडीज़ से और इनका नाम हार्ड हिटर में शुमार होता है। और उसके बाद हैं पाकिस्तान के चाचा इफ्तखार अहमद। इफ्तखार अहमद जिसने वहाब रियाज को एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे, और वो मैच था क्वेटा और पिशावर जलमी के दरमियान, नुमाइशी मैच था क्वेटा के अंदर, जिसमें चाचा इफ्तखार अहमद ने वहाब रियाज को 6 छक्के लगाए और उनका नाम भी अब 6 छक्के लगानों में आता है। और उसके बाद आते हैं इंग्लैंड के बैट्समैन जिन्होंने अपना बदला लेना चाहा युवराज सिंह के, जो युवराज सिंह ने आपको पता है कि स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 छक्के लगाए थे। तो इंग्लैंड के एक बैटर ने युवराज सिंह को एक ही ओवर के अंदर 5 छक्के लगाए, और वो छठा छक्का लगाने में कासिर है, और जिस पे उन्होंने अपना बदला मुकम्मल तो नहीं किया, लेकिन वो एक ओवर में 5 छक्के लगाने वाले बैट्समैन बन गए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो और इन्फॉर्मेशन। तो पसंद आई है तो इसको क्या करना है, आप लोगों ने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना तो लाजमी है मेरे चैनल को। और ये वीडियो अगर आपको पसंद करें तो इसको आगे ज़रूर ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।